मणिपुर मामले को समझने के लिए मैं कुछ चीजें दिखाता हूं दोस्तों। जब आप देखेंगे ना, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की चीजें हैं, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको जब दिखाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा। ये है दीपक शर्मा। हमेशा मोदी के खिलाफ ही बोलते हैं, हक है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। लेकिन आप इनके थंबनेल को देखिए, इनको पहले से ही पता था। ये 8 महीना पुराना थंबनेल है, और इसमें क्या लिख रहे हैं वो, कि जो व्यक्ति चीफ जस्टिस बनने जा रहा है वो देश बदल सकता है। मोदी को भले ही लोकतांत्रिक तरीके से हराया ना जा सके, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम है जो मोदी को हरा सकता है, डरा सकता है। और इसीलिए दोस्तों, अब मैं आपको पुण्य प्रसून वाजपेयी का थंबनेल दिखा रहा हूं। वो क्या लिखते हैं कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले मोदी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, सीजेआई चंद्रचूड़ के हाथ में आ गई भाजपा की कमजोर नब्ज। सीजेआई के 10 फैसले पलट सकते हैं 2024 की बाजी। हैरान हो जाएंगे, माथा पकड़ लेंगे। ये चुनाव क्या चीफ जस्टिस बना भारतीय जनता पार्टी है? आप सोचिए, क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट किसी को चुनाव हराने के लिए चलता है? क्या इस देश में कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी को सत्ता से बेदखल करने के लिए होता है? लेकिन इनको सब पता है, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को। और यही बात दोस्तों अभिसार शर्मा भी बोल रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, बड़े ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। सीजेआई चंद्रचूड़ के ये 2 फैसले पलट सकते हैं 2024 चुनाव की बाजी। अब आप गलतफहमी में मत रहिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने वोट से किसी को चुनाव जिता सकते हैं, इनको देखकर तो नहीं लगता। ये पुण्य प्रसून वाजपेयी अभिषेक शर्मा तो यही कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला होगा, बस चुनाव बदल जाएगा, सत्ता बदल जाएगी, आप किसी को वोट दीजिए। यही बात कही जा रही है, बड़े ध्यान से देखिए। मैं सुप्रीम कोर्ट की नहीं, ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की बात बता रहा हूँ। और ये लोग सिर्फ 2024 की भविष्यवाणी ही नहीं करते हैं दोस्तों, बल्कि गर्व से इस बात का खुलासा करते हैं कि चीफ जस्टिस ने मोदी को डरा दिया। भाड़ में जाए इस देश की 140 करोड़ जनता। देखिए क्या लिखा है, चंद्रचूड़ से अब डर, तैयार रहिए, 2024 तक बहुत कुछ बदलेगा। और इसी डर का खुलासा अजीत अंजुम भी करते हैं। सोचिए, एक लोकतंत्र में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है, जो जनता के द्वारा चुना जाता है, बहुमत से चुना हुआ व्यक्ति। लेकिन नहीं, उससे भी बड़ा एक व्यक्ति है, सिस्टम नहीं है। आप ये मत समझिए मैं सिस्टम की बात कह रहा हूं, जुडिशियरी भी नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का नाम है, नाम लिखा जाता है सीजेआई चंद्रचूड़। मोदी के डर का नाम चंद्रचूड़ है। सीजेआई को खुश करने के लिए इतना बड़ा काम, मतलब सरकार एक आदमी को खुश करने के लिए काम करती है, समझ लीजिए दोस्तों। और जिससे मोदी शाह की धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं, ये भी थंबनेल देख लीजिए। और इसीलिए इस बात को गर्व के साथ लिखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार को झुकना पड़ा। ये वही नैरेटिव है, बड़े ध्यान से समझिए, जो अभी 2-3 दिन पहले इंडिया के नाम से प्रदर्शित किया गया। सारे विपक्ष मिल करके अपने आप को इंडिया नाम रख लिया, या कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वह नैरेटिव बन गया, इंडिया से लड़ रहे हैं, इंडिया नाम हो गया। तो ये वही है दोस्तों, ऐसा लगता है कि इस देश की सरकार जनता से लड़ रही है, जुडिशियरी से लड़ रही है, और सारे संवैधानिक संस्थाओं से लड़ रही है, जबकि सरकार को इस देश की जनता ने सर्वाधिक वोटों के जरिए चुना है। ये देश का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, लेकिन लिख क्या रहे हैं, ये नैरेटिव है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार को झुकना पड़ा, और इसीलिए अब मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प चीज़ दिखा रहा हूँ। आपको पता हो ना हो, मुझे ना पता हो, इनको सब कुछ पता है, इनको सब कुछ पता है, और ढोल भी पीट रहे हैं। आप देख लीजिए, इन्हें ये पता है कि राहुल गांधी के मामले में क्या होगा, और इसीलिए बता रहे हैं कि सरकार डर गई है। दिल्ली दरबार में हड़कंप, चंद्रचूड़ के हाथ में आ गया राहुल का केस।
कभी सुना आपने कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का नाम इस तरीके से लिया जाता हो? कितना सम्मान होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, जस्टिस जस्टिस होता है, वो नाम नहीं होता दोस्तों, पंच परमेश्वर। सुनकर इतना घबरा गए मोदी, छोटे मोदी भागे भागे पहुंचे। और यही बात इसी राहुल गांधी पर अजीत अंजुम भी कह रहे हैं। देख लीजिए, मोदी और शाह की ये चाल होगी नाकाम। मतलब अब तक जो सेशन कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उन पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। दीपक शर्मा का ये थंबनेल देखिए, राहुल का केस सुप्रीम कोर्ट क्या आया, मोदी शाह की बढ़ने लगी धड़कने। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कह रहा हूँ, कैसे जुडिशरी को ये बदनाम करते हैं। और इसीलिए दोस्तों मणिपुर के मुद्दे पर ये कह रहे हैं कि चूंकि मोदी जी सुप्रीम कोर्ट से डर गए, इसीलिए उन्होंने बयान दिया। आपको दो दो थंबनेल दिखा रहा हूं मैं। आप सोचिए, क्या सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट से डरकर काम करती है? अरे भैया, जो सरकार यूपीए में कुछ काम ही नहीं करती थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं डरती थी। सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ व्यक्ति कोई डिक्टेटर नहीं है, वो एक संवैधानिक संस्था है, उसका महत्व है। और जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठा है, जो कार्यपालिका में बैठा है, वो भी एक संस्था है दोस्तों। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ मोदी को डर लगता है? क्या राजस्थान में जो घटनाएं होती हैं उसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री को डर नहीं लगता? क्या पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के साथ घटनाएँ होती हैं, क्या उनकी मुख्यमंत्री को डर नहीं लगता? और नहीं लगता है तो आखिर क्यों नहीं लगता है, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को जो ये गुस्सा आया मणिपुर के मामले में, क्यों आया? और सिर्फ मणिपुर में ही क्यों आया, राजस्थान और बंगाल के लिए क्यों नहीं आया? आज के वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मणिपुर की घटना से पूरा देश दुखी है, हम सब दुखी हैं। जिस तरह की घटना हुई उसे किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये मानवता के लिए एक अभिशाप की तरह है, और इसीलिए हर कोई इसके खिलाफ कार्रवाई करने का संकल्प ले रहा है। लेकिन याद रखिए, ये घटना दोस्तों 2.5 महीने पहले की है, और इसे संसद सत्र से ठीक पहले वायरल किया गया। आखिर क्या ये किसी की साजिश का हिस्सा है? क्योंकि जो घटना 4 मई को हुई, उस पर देश में आज क्यों माहौल बनाया जा रहा है? उसी समय सरकार को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया गया? उसी समय इसका हिसाब क्यों नहीं मांगा गया? उसी समय दोषियों के खिलाफ सजा क्यों नहीं मुकर्रर की गई? लेकिन चूंकि इसका मकसद कुछ और है, और मैंने आपको दिखाया है दोस्तों, शायद इसीलिए ठीक संसद सत्र से पहले इस वीडियो को वायरल किया गया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई बड़ी घटना होती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत इस घटना पर बयान देते हुए कहा कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और राज्य के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने भी तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, और मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से आई है। एक तरफ से उन्होंने जो सरकार है उसको धमकी देते हुए, चेतावनी देते हुए ये कहा कि यदि सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होता है स्वतः संज्ञान लेने का, लिया, अच्छी बात है। और उसने कहा, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक वायरल वीडियो को देख कर किया गया। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हर संसद सत्र के पहले इस तरह की साजिश होती है, और एक ऐसी घटना जो महिलाओं के साथ हुई उस पर जो कार्रवाई 2.5 महीने पहले होनी चाहिए थी, उस वीडियो को बचा कर रखा गया, ये गंभीर सवाल है दोस्तों। और लेकिन अच्छी बात यह है, मैं दाद देता हूँ सरकार की, कि उसने तत्काल इस पर कोई नानुकुर नहीं किया, कार्रवाई शुरू कर दी, और ये भी तय कर दिया कि जिस साजिश के तहत इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है
उसमें ट्विटर को भी कटघरे में खड़ा किया जाए। और आप देखिएगा, ट्विटर के खिलाफ ज़रूर ये सरकार कार्रवाई करेगी, मुझे इसका पूरा विश्वास है। दूसरी तरफ अब इस खबरों पे आइए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय इस वीडियो वायरल वीडियो को देखकर ये कह रही है कि वह बहुत ही परेशान है और जिस तरीके से महिलाओं को हिंसा करने का हथियार बनाया जा रहा है ऐसा कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बता रहा हूँ दोस्तों, बात सही भी है, महिलाओं के खिलाफ अगर कोई ज्यादती होती है तो कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, और ये उठ रहा है, मैं मीडिया से ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ कि न्यायपालिका को सिर्फ मणिपुर ही क्यों दिखता है, बंगाल, राजस्थान और झारखंड का दर्द क्यों नहीं दिखता। आप देखिए, ये मैं मीडिया रिपोर्ट, बड़े संस्थान की मीडिया रिपोर्ट पढ़कर दिखा रहा हूँ। ये सवाल पूरे देश में एक झटके में लोगों के बीच तैरने लगा। अब मैं आपको कुछ दोस्तों सोशल मीडिया के ट्वीट्स दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा मैं क्या बताऊँ, लोगों ने जिस तरीके से सवाल उठाए वो बड़े लाजिम सवाल हैं। आप देखिए, एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है प्रकाश गुज्जू यार करके, अब देखिए इसने बंगाल के मुद्दों को उठाया और कहा कि बंगाल के मुद्दों पर भी तो कुछ बोलिए, बंगाल में भी तो ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ। और ये लगा हुआ है, देखिए ना, बीजेपी वर्कर्स वाइफ गैंग रेप्ड बाय टीएमसी गूंस, टू अरेस्टेड, 18 किल्ड इन पंचायत पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। उसमें तो कुछ नहीं हुआ, लोग सवाल उठा रहे हैं। हार्दिक नाम के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल ने राजस्थान की कई घटनाएं गिना दी। आप देख लीजिए, जोधपुर में 6 महीने की मासूम समेत 4 की हत्या कर शव जलाए, पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान, जोधपुर में यूनिवर्सिटी के बाद अब स्कूल में दरिंदगी, 7 साल की मासूम से किया रेप। तीसरा देखिए, करौली, हैवानियत की हद पार, दलित युवती के साथ गैंग रेप। आवर एससी कांट सी द नंबर ऑफ हीनस क्राइम्स गोइंग ऑन इट अदर स्टेट्स। आप जो इसमें हैशटैग है ना वो भी देखिए, लाइव्स मैटर इन ऑल स्टेट्स, जिंदगी तो हर किसी का मायने रखता है ना, ऐसा थोड़ी कि मणिपुर का की लड़कियां हैं तो वो मायने रखती हैं और राजस्थान की लड़कियां हैं तो वो उसका कोई मोल नहीं है, ये सवाल उठाया जा रहा है। आगे देखिए, रोहित लाइव, राजस्थान में हर दिन महिलाओं पे हमले हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, पर ना कोई मीडिया शोर करता है, ना कोई नेता और ना ही सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़िए, ये नवेद है, मीलॉर्ड को शायद राजस्थान दिखाई नहीं देता। देख लीजिए सारी घटनाएं लिखी हुई है दोस्तों। हिमांशु जैन साहब हैं, ये भी वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, इन्होंने तो 4 राज्यों की घटनाएं गिना दी। देखिए ना, राजस्थान पर चुप्पी क्यों, पश्चिम बंगाल पर चुप्पी क्यों, इतनी हत्याएं, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिर्फ मणिपुर। और मणिपुर में भी क्या दूसरी सरकार होती, गैर भाजपा शासित राज्य होता तो शायद यहां भी चुप्पी साध लिया जाता। अगर ये सवाल उठा है तो हर राज्य पर सवाल उठना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि दोस्तों, कि अब आपको मैं कुछ और दिखाता हूँ। राजस्थान की ये घटना हाल की है, 18 साल की एक युवती का अपहरण करके दुष्कर्म किया गया और उस पर एसिड से हमला किया गया, ये बिहार की घटना है। महिला के साथ दुष्कर्म करके पीट करके उसे बिजली के खंभे से लटका दिया गया। अब ये सोचिए, क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए भी वही आवाज़ बनेंगे जो आज मणिपुर के लिए बन रहे हैं? शायद सुप्रीम कोर्ट, जो देश भर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और कई घटनाएं वायरल भी हो रही हैं, वीडियो भी बन चुका है, वो क्या इस तरीके से कार्रवाई करने का खुला ऐलान कर सकती है? नहीं कर सकती है, संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता, ये तो सरकार करती है ना। लेकिन मणिपुर में ऐसा क्या है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट को भी आना पड़ा? दरअसल इन सारे मामले की जड़ में, बड़े ध्यान से सुनिए, न्यायपालिका है। क्यों? एक तरह से कुकी महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है और जो ये आंदोलन शुरू हुआ है उसके पीछे मणिपुर हाई कोर्ट का एक फैसला है। ये जो मणिपुर में दंगा फसाद ये सब जो फैला ना,
ये जो संघर्ष शुरू हुआ उसकी जड़ में मणिपुर हाईकोर्ट का एक फैसला है जिसमें मेटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में लाने का फैसला दिया गया। और इस फैसले के बाद मणिपुर में हिंसा का जो दौर शुरू हुआ वो थम नहीं रहा है। उसी हिंसा के दौर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए हैं। हिंसा के दौर में भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के सम्मान को बचाने के लिए मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले को गलत कहा और उस फैसले पर अभी भी सुनवाई हो रही है। मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भड़की हिंसा को रोकने के लिए जब कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका लगाई कि सेना को निर्देश दे, तो मुख्य न्यायाधीश ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और उन्होंने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस इस मामले में अपनी संवैधानिक नैतिकता और संतुलन को समझ गए थे। साथियों, कोई भी निर्णय देश की, समाज की दिशा और दशा तय करते हैं। अब ये निर्णय चाहे सरकार ले, चाहे न्यायपालिका ले, लेकिन इसका दूरगामी असर पड़ता है। और इस निर्णय से, सरकार के निर्णय से जो समाज का ताना बाना है उसको साधने का प्रयास किया जाता है, उससे संभालने की रणनीति होती है। लेकिन अगर न्यायपालिका अपने निर्णय से राजनीति का काम करने लगे, क्योंकि राजनीति तो राजनीति वालों के लिए होती है ना, वो कोई फैसला करे, वो कुछ करे, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, तो यही तो राजनीति है और इसी से तो देश आगे बढ़ता है, उसमें अच्छी चीज़ें मथ कर निकलती हैं। लेकिन अगर न्यायपालिका भी यही काम करने लगे तो फिर क्या होगा? फिर वही होता है जो इस समय मणिपुर में हो रहा है। और संविधान ने बड़े सोच समझकर तीन जो पाए बनाए गए हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उसका अपना महत्व है। लेकिन अगर न्यायपालिका अपने महत्व को आगे रख ले और कार्यपालिका के महत्व को कम कर दे तो उसका फिर समाज में अच्छा परिणाम नहीं हो सकता है। मणिपुर की ये घटना बहुत कुछ सबक सिखा रही है दोस्तों। अगर इसे समय रहते नहीं सीखा गया तो समाज में जब विद्रोह की स्थिति पैदा होती है तो वही होता है जो आज मणिपुर में दिख रहा है। मुझे लगता है कि न्यायपालिका से जुड़े हुए जितने आयाम हो सकते हैं और इस मणिपुर के मामले में, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बड़े मेहनत के साथ तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया है, लेकिन मेरा जो ध्येय था वो इस लेफ्ट लिबरल गैंग की ओर था कि इनको सब कुछ कैसे पता होता है और हम और आप सिर्फ चर्चा ही करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।